राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी साबूदाना का नाश्ता बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, कम तेल में झटपट बनके तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना का नाश्ता बनाने के लिए एक कप साबूदाना लेंगे। साबूदाना को एक कंटेनर में डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और साबूदाना को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। साबूदाना को भिगोने के लिए उतना पानी डालेंगे कि साबूदाना अच्छे से डूब जाए। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के ढक के रख देंगे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं, इन्होंने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कट की हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे। 1/2 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च बारीक कट करके डालेंगे। 1/2 कप दरदरी पिसी हुई मूंगफली डालेंगे। 2 चम्मच बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 नींबू का रस डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 2 मैश किए हुए उबले आलू डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों में पानी लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे टिक्की का शेप देंगे। हमने इसे शेप दे दिया है। सेम प्रोसेस से सारे नाश्ते बना के तैयार करेंगे। गैस पे एक पैन रखेंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें टिक्की रखेंगे। नाश्ता को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सिकने देंगे। अब हम इन्हें पलटेंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। दूसरे तरफ से भी नाश्ता को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे चेक करेंगे, नाश्ता दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और सेम प्रोसेस से सारे नाश्ते सेकेंगे। तो लीजिए, कम तेल में बनके तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी साबूदाना का नाश्ता। आप इसे टमाटो केचप हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।